नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात। राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी के फॉर्मूले पर कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई की शुरुआत हुई थी, लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए। ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया है और यही चूक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है। यहाँ कोरोना की तेज रफ्तार चिंता लगातार बढ़ा रही है। देखिए, देश में कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना की लड़ाई महाराष्ट्र में बेहद कमजोर हो रही है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब में हाल के हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। पंजाब में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1500 नए मामले सामने आए। लगातार बढ़ते मामलों के चलते पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाओं को एक महीने के लिए टालने की घोषणा की। तो वहीं एमपी में कोरोना की दस्तक के बाद नाइट कर्फ्यू की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एमपी विधानसभा में अब तक 5 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा के 4 मार्शल भी कोरोना की चपेट में आ गए। वहीं दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण की दर 0.59% पर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। रविवार को लगातार चौथे दिन रोजाना 400 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए थे। दिल्ली में शनिवार को संक्रमण के 419 जबकि रविवार को 407 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट होटल्स में पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, ताकि कोरोना वायरस जो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग लापरवाह हैं उन पर एक्शन लिया जाए और उनको समझाया जाए कि वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अगली खबर है क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी हुई। जी हां, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके लिए निराशाजनक खबर है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की मौजूदा T20 सीरीज के अंतिम 3 मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। इस सीरीज के सारे मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम 2 मैच भी खेले गए थे, जिसके बाद गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के 3 मैचों के बगैर दर्शकों के होने की पुष्टि की है। गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के 3 मैचों के बगैर दर्शकों के होने की पुष्टि की है। GCA के उपाध्यक्ष धनराज नथवाणी ने कहा है कि 16, 18 और 20 मार्च को होने वाले मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। BCCI से सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच भी बंद दरवाजों के बीच हुआ था। दूसरे मैच हालांकि 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की इजाजत थी। T20 सीरीज के पहले मैच में 8 विकेट से शर्मनाक हार झेलने के बाद भारत ने दूसरे मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर बोरिस की मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, लेकिन एक बार फिर वो अप्रैल में भारत का रुख करने वाले हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इस बात की जानकारी उनके कार्यालय ने दी है। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा था, मैं इस साल भारत आने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी दोस्ती को मजबूत कर सके, रिश्तों को आगे बढ़ा सके, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने लिया है। उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनम्र आग्रह पर इस खास अवसर का साक्षी बनने को उत्साहित था, लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण मुझे लंदन में ही रुकना पड़ा। उन्होंने कहा था, दोनों देश मिलकर टीका विकसित करने, उसे बनाने और वितरित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो मानवता को वैश्विक महामारी से मुक्त करने में मदद करेगा। ब्रिटेन, भारत और कई अन्य राज्यों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत हम कोविड के खिलाफ जीत दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।